राजभर ने कल मोदी और योगी पर सीधा आरोप लगाया और कहा ओम प्रकाश राजभर की हत्या कराने के लिए योगी ने गुंडे बैठाए थे। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। देखिए, जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी किया है उस हिसाब से बैरिकेटिंग जहां बनी है, मैं खुद ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर प्रत्याशी और एक प्रस्तावक लेकर के हम लोग रिटर्निंग अफसर के कक्ष में जाने लगे, तो जो हम लोग पहुंचे तो हमारे साथ 10-12 लोग थे, तो पुलिस ने रोक दिया कि तीन ही आदमी को जाना है। हम तीन लोग जो वहां पहुंच रहे हैं तो हम लोगों को गाली गुप्ता शुरू देने लगते हैं। जब तीन ही आदमी को अंदर जाने की इजाजत है तो वहां सैकड़ों लोग कैसे पहुंचे? ये योगी जी के गुंडे DM बनारस और कमिश्नर बनारस, इन दोनों की सह पर वहां पहले से बैठाए गए थे ओम प्रकाश राजभर की हत्या कराने के लिए। जिस तरह का उन लोगों ने शुरू किया, फिर हम लोग चले गए सुनते झेलते। जब हम लोग अंदर गए तो रिटर्निंग अफसर कह रहे हैं कि ये बाहर क्यों गाली गुप्ता हो रहा, क्यों हल्ला हो रहा है। हमने कहा ये आपका विषय है, सुरक्षा व्यवस्था है आपका, हम तो आपके कैंपस में हैं। उनके गेट पर जहां उनका गेट है वहां बैठे हुए लोग हैं सैकड़ों लोग। फिर नामिनेशन शुरू होता है, नामिनेशन प्रक्रिया खत्म होती है, फिर वहां से हम लोग ज्यों गेट पर आते हैं तो गेट पर आने के बाद तुरंत मारी मारा शुरू हो जाती है कि जब हम अपने हक की बात कर रहे हैं कि आप हमारा आरक्षण खत्म कर रहे हो, आप संविधान को नहीं मान रहे हो, आप जुर्म जाति अत्याचार कर रहे हो, थाने पर जाति पूछ के मारा जा रहा, जाति पूछ करके गाली दी जा रही है, FIR हो रहा है, ये बात योगी जी को पसंद नहीं आ रही है। और ये कल की घटना नहीं है, कई घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं, कई घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं, हम उसको अवॉइड करते रहे, लेकिन कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कल जिस तरह का हुआ, अब हमारा एक तरफ से एक आदमी कलर पकड़े, एक आदमी उधर से पकड़ रहा है और मार रहे हैं और कह रहे हैं कि मार दो गोली, यहीं खत्म हो जाए। देखिए, मैं कल ही ये पत्र चुनाव आयोग को मैंने भेजा, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा और वहां हमने डिमांड किया कि इसकी जांच करा लो। निष्पक्ष चुनाव अगर कराना चाहता है चुनाव आयोग तो वहां के DM कमिश्नर को पहले हटा दे, नहीं तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। और ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करावे। और आपके माध्यम से अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि देखो साथियों, जो आंदोलन हम चला रहे हैं, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में योगी जी मेरी हत्या करा दें तो चिंता मत करना, इस आंदोलन को रुकने मत देना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। ये हक अधिकार की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की लड़ाई है। इस नाते हम अपने लोगों से अपील करता हूं कि ये योगी जी हमारी हत्या किसी भी समय करा सकते हैं, करा दें, लेकिन आंदोलन को रुकने मत देना, आंदोलन को बढ़ाते रहना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।